नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में ये बेल आइकन है इसको भी दबा दें ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा हुआ है, परीक्षा टलवाने के लिए आयोग को दिए 2000 अंक पत्र। विद्यार्थियों का कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है वो बदल गया है मुख्य परीक्षा का, इसलिए अतिरिक्त समय दिया जाए और इस परीक्षा को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि लोक सेवा आयोग अड़ा हुआ है और उसका कहना है कि हमने बहुत पहले ही परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया था, इसलिए परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। विद्यार्थियों ने अपने समर्थन में 2000 अंक पत्र और प्रवेश पत्र आयोग को कल सौंपे हैं और लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि इसकी जो परीक्षा डेट है वो बढ़ाई जाए। वैसे बहुत कम संभावना है लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा की तिथि बदलने की, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। इसके बाद में अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम की। जो जानकारी निकल के आ रही है कि LT ग्रेड शिक्षक परिणाम में फिर से देरी हो रही है और वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि PCSJ का परिणाम है, लोक सेवा आयोग उसको प्राथमिकता दे रहा है। इसके लिए हलफनामा भी कोर्ट में लोक सेवा आयोग ने दिया था कि इसका जो परिणाम है वो मई में कंप्लीट हो जाएगा और कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को कोई अवसर नहीं दिया है, इसलिए लोक सेवा आयोग PCSJ भर्ती में लगा हुआ है। जिस तरीके से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम आ रहे हैं, इस तरीके से कई महीने अभी भी लग सकते हैं। तो विद्यार्थी योजना बना रहे हैं कि चुनावों के बाद में 28 तारीख को एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन लोक सेवा आयोग के विरोध में किया जाए और उस धरना प्रदर्शन में बहुत सारी मांगें रखी जाएंगी, जैसे नियुक्ति और साथ में वेटिंग लिस्ट और सभी विषयों का एक साथ परिणाम आए। ये धरना प्रदर्शन केवल दिन में नहीं चलेगा, दिन रात 24 घंटे जब तक परिणाम जारी नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयार रहें। फिर एक और सूचना है CTET की। CTET लिखा हुआ है, गरीबों को 10% आरक्षण की मांग पर नोटिस। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न भर्तियों में और प्रवेश में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया था, लेकिन जो CTET की परीक्षा हो रही है उसमें गरीब सवर्णों को 10% की छूट नहीं दी जा रही, 5% की छूट नहीं दी जा रही है, जिस तरीके से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट मिलती है। इसके विरोध में कुछ विद्यार्थियों ने कोर्ट में केस किया था और कहा था कि गरीब सवर्णों को भी पात्रता परीक्षा में छूट दी जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार, CBSE और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि NCTE को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि सरकार की क्या राय है और सरकार ने ऐसा क्यों किया है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि यह एक नीतिगत फैसला है, इसमें जो सरकार चाहे उस तरीके से कर सकती है। हालांकि पिछली तारीख में कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिए किसी भी कैटेगरी को, यानी कि सभी वर्गों को पासिंग मार्क्स समान होने चाहिए और किसी को भी छूट ना दी जाए। हालांकि इस केस की जो अगली डेट है अब 1 जुलाई है, देखते हैं कि 1 जुलाई को क्या होता है। इसके बाद में समाचार पत्रों में एक और सूचना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भी निकाली भर्तियां। शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नए शैक्षणिक सत्र से इससे राहत मिल सकती है, क्योंकि आरक्षण की जो रोस्टर प्रणाली थी उसमें बदलाव की वजह से किसी भी विश्वविद्यालय में भर्तियां नहीं हो रही थी। जब से केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया है, इसमें बदलाव किया है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भर्तियां निकल रही हैं अध्यापकों की और अन्य वर्गों की। उसी के बारे में इसमें सूचना है, लिखा हुआ है, विश्वविद्यालयों ने शिक्षकों के सालों से खाली पड़े पदों को भरने का काम शुरू कर दिया। इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और जादवपुर जैसे कई विश्वविद्यालयों में इसे लेकर भर्तियां भी निकाल दी गई हैं। साथ ही अगले दो महीनों के भीतर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के संकेत दिए हैं। इसके लिए विद्यार्थी भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो अगर आपके पास वांछित योग्यता है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है 12वीं पास के लिए हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती। जो उम्मीदवार देश की सेवा करने के इच्छुक हैं उनके लिए BSF के कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 14 मई से शुरू होगी। हेड कांस्टेबल के अलावा भी बहुत सारे पद हैं इसके साथ में,
नीचे देखिए ये लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल के 1072 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 300 पद, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के 772 पद ये सब दिए हुए हैं। पे स्केल भी नीचे दी हुई है 25,500 से लेकर के 81,100। और इसकी अगर योग्यता की बात करें, नीचे लिखा हुआ है इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रेडियो और टेलीविजन में ITI होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM में 60% अंकों के साथ 12वीं पास। तो कुल मिलाकर के 12वीं पास और ITI योग्यता मांगी गई है। आयु की अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है 18 से 25 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ तारीख हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया ये 14 मई 2019 लास्ट डेट लिखा हुआ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून, लिखित परीक्षा की जो तारीख है वो 28 जुलाई 2019। चयन प्रक्रिया भी नीचे लिखा हुआ है कि इसमें लिखित परीक्षा होगी और फिर फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा और फिर इनका चयन कर लिया जाएगा। एक और सूचना है कि सरकारी व निजी ITI के लिए नहीं करने होंगे अलग अलग आवेदन। अभी तक सरकारी संस्थानों और जो निजी संस्थानों के लिए ITI विद्यार्थी करते थे उनके लिए अलग अलग आवेदन करने होते थे, लेकिन अब एक साथ में आवेदन करने होंगे और हाई स्कूल के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। ये देखिए लिखा हुआ है, प्रदेश के सभी राजकीय ITI में एडमिशन के लिए हाई स्कूल के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। छात्रों की मेरिट से ही उन्हें अलग अलग ITI संस्थानों में एडमिशन दिए जाएंगे। न्यूनतम आयु 14 और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। और आवेदन की जो प्रक्रिया है ये डेट भी देख सकते हैं, जिन्हें ITI करना हो वो 10 से लेकर के 15 जून के बीच में ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।